राम राम जी। आज आप लोगों का स्वागत है राजी के ढाबा में। दोस्तों आज आपके साथ शेयर करने वाले एकदम बिल्कुल हेल्दी सब्जी, साग उसको ही बोल सकते हैं, सब्जी ही बोल सकते हैं, कम मसालों से बनता है, बहुत टेस्टी, बहुत हेल्दी। और पहले के लोग यही सब खाया करते थे, घास फूस। इसमें इतना सब्जियां होती है, इस समय बरसात का मौसम अभी देखिए ख़त्म हो रहा है, इतनी सब्जियां होती हैं इसमें कि पूछिए मत। तो बहुत सारा सब्जी जैसे कि झुनखुन, चौलाई, बहुत साग का रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। आज हम बनाएंगे नोनी और नोना का साग, बहुत टेस्टी बनता है। तो चलिए खेत से ले जाते हैं नोना या नोनी जो मिलेगा और सब बनाएंगे हम साग। अरे भाई देखा ना, नोनी तो पूरा एकदम छप जावे, देखा ना, तो ये देख रहे हैं पूरा, ये छोटा छोटा जितना दिख रहा है ना, ये देखिए ये पूरा नोनी का साग है। और इसका एक बड़ा वर्जन आता है, उसको हम लोग नोना बोलते हैं। अभी वो दिख नहीं रहा है आपको, वो भी दिखाएंगे। सबसे पहले नोनी दे देते हैं, ये देख रहे हैं ना, इस तरह का ये नोनी होता है। देखिए अभी इसमें फूल देखिए, पिंक पिंक सब फूल आ रहा है और इसका डंठल भी पिंक पिंक होता है, देख रहे हैं ये इस तरह से। बहुत ही टेस्टी बनता है, और मतलब इसमें यह है कि मिट्टी के साथ ये होता है चिपका हुआ, इस वजह से इसको धोना पड़ता है। इसका जड़ जो होता है ना, देख रहे हैं जड़, ये जड़ को तोड़ना पड़ता है इस तरह से। इसको थोड़ा धोने में मेहनत है और बहुत हेल्दी और बहुत फायदेमंद है ये। तो भिंडी, तोरी, गोभी, पनीर तो हम लोग बराबर खाते रहते हैं, ये हर जगह मिल जाता है नोनी का साग। या ऐसे आप देख के भी बता सकते हैं या आप दुकानदार से पूछ भी सकते हैं। ये अगर दुकानदार इसको लेके जाता है ना तो इसको थोड़ा टाइम लगता है निकालने में, तो इस वजह से ये महंगा हो जाता है। ये 100 रुपये की 20 रुपये पाव, 25 रुपये पाव, ये पाइए, एक पाव आधा पाव खरीद लीजिए। इसमें चाहिए तो आप चना का दाल भी डाल सकते हैं या आलू भी डाल के बना सकते हैं या कोई और भी सब्जी इसमें आप मिक्स करके बना सकते हैं। ये इसका बस टेस्ट जान लीजिए कि टेस्ट कैसा है, हल्का खट्टा होता है बस। और ये बहुत हेल्दी है, तो ये ज़रूर खाना चाहिए जब भी आपको मिले। और ये मतलब बिना खाद का होता है, सबसे बड़ी बात ये है। ये देखिए पूरे खेतों में है लेकिन बिना खाद का है ये। इसको बस लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा हुआ तो बड़ा बाजारों में बेच देते हैं। आप अगर ज़्यादा निकालना है आपको तो खुरपी से निकाल सकते हैं, और नहीं तो इसी तरह से देखिए इस तरह से भी उखाड़ देंगे तो क्या होगा कि मिट्टी इसमें कम आएगा। ये देख रहे हैं ना, ये इस तरह से तो हम इस तरह से उखाड़ देते हैं। खुरपी लाए थे कि अगर जड़ से उखाड़ना होगा तो जड़ से उखाड़ देंगे, लेकिन खेतों में बहुत है, ये देख रहे हैं ना, इस तरह से हम उखाड़ देते हैं। ये देखिए कभी कभी क्या होता है कि बहुत कम मिलता है, लेकिन अभी बरसात के मौसम में ना, अभी बरसात ख़त्म होने वाला है तो अभी खूब दबा के मिल रहा है। यहाँ देखिए एक लेबर किराए पे आ गई है, सुबह जाए तो घर में क्या डिस्कस होता है, आई मैं सब्जी बनाऊंगा तो रोटी मम्मी बनाएंगी। हाँ मम्मी, रोटी आज आपकी बारी है ना। ये देखो तो कैसा है, एक कलर है, ये देखो कितना बढ़िया कलर है, फूल ना, ये देखो। तो ये देख रहे हैं नोनी का साग कैसा कलरफुल है, ये देखिए इस तरह का पूरा पिंकिश, देख रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं तितली का साग है, इधर भी है और यहाँ पर भी देखिए तितली का साग है। यहाँ देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर तो बैंगन का पौधा है ये, और ये देखिए एक पौधा मिल गया नोना का भी। ये देखिए ये बड़ा पत्ते में होता है, ये नोना है। तो देख रहे हैं हमारा साग, साग तो निकालेंगे तो बहुत हो जाएगा, लेकिन हम लोग निकाल दिए हैं काम भर का, इसको ले चलते हैं बनाएंगे। यहाँ देखिए अमरूद कैसा फला हुआ है,
ये मिले भाई, देख रहे हो मस्त अमरूद है एकदम पेड़ के। अरे बिल्कुल तू रही, चार लोग हैं, चार अमरूद तोड़ दिए। नोनी का साग लेके आ गए, अब इसको साफ कर देते हैं। इसमें छोटा छोटा घास होता है, जड़ होता है इसका, और इसी तरह का एक घास होता है एकदम नोनी की तरह का, आप देखे होंगे खेतों में बहुत था इसी तरह का एकदम होता है। तब क्या करना है हमें, इसमें जड़ देख लेना है कि जड़ है कि नहीं है। जड़ होगा तो देखिए तोड़ देंगे इस तरह से, और फिर इसको चाकू से भी काट सकते हैं और ऐसे भी सीधा सीधा ही बना सकते हैं। इससे बाहर निकालने से होगा कि इसका मिट्टी झड़ जाएगा, जड़ टूट जाएगा। तो देखिए ये घास है, इसका क्या पहचान क्या है, ये तो देखिए एक ही तरह का है ना, दिख रहा है ना आपको। इसका पत्ता एकदम हल्का होता है, ये देखिए एकदम बिल्कुल हल्का पतला होता है, और इसका पत्ता मोटा होता है, इससे यही पहचान है इसकी। इसका जो पत्ता देखिए ये मोटा है, उसका पत्ता हल्का, ये हल्का भी होता है ये भारी भी होता है, बहुत फर्क है, देखने में पता लग जाता है कि ये साग नहीं है, ये साग है। तो इसको इसी तरह का अगर मिले तो इसको मत दीजिएगा, तो शोर को छांट देंगे। अगर ये नहीं छांटता है ना तो बढ़िया से 6-7 पानी इसको धोइएगा, और इसी तरह छांट छांट के और रखते जाएंगे इसमें। देख रहे हैं छोटा छोटा घास, ये भी कोई है कोई सब्जी ही होगा, लेकिन हम लोग नहीं खाते हैं, नहीं जानते हैं, लेकिन जितना भी प्रकृति का दिया हुआ है सब बढ़िया चीज़ है। कोई कोई चीज़ हम खाते हैं सब्जी ही तो लगता है हल्का कड़वा, लेकिन उसका भी फायदा अलग ही है, जो भी चीज़ हम लोग बढ़ुआ होता। हाँ एक बार हम बनाए थे केले की फूल की सब्जी, हल्का तो कड़वा लगता है लेकिन बहुत हेल्दी है। इसी तरह इसमें भी कोई ऐसा साग होता होगा जो कि अभी हम जानते नहीं हैं, अगर जानेंगे तो ज़रूर आपको बताएंगे और भी साग के बारे में। तो इस तरह से जड़ तोड़ तोड़ के इसमें रखते जाएंगे। खेत का प्याज इतना छोटा छोटा है कि क्या बताएं। इसको खुला बर्तन में और ज्यादा पानी में धोना है। देखने में लगता नहीं है कि इसमें मिट्टी है, लेकिन बहुत मिट्टी होता है। ये देखिए पानी पूरा गंदा हो गया, देख रहे हैं ना, देख रहे हैं साफ दिख रहा है, लेकिन फिर भी इसको 3-4 पानी धोना है। नहीं लगा तो ये तो कहते हैं तुमको, मैंने नमकीन हो खड़ा नहीं खे भाई ना, इतना गंदा थी छी हम मैंने खे खड़ा भाई, एक बिना पंखवा के हां हां भाग, हम तो आदमी ने कहियो ना, हम कहियो ना भटिक से घबरात रही ना, ये बार हम चूहा से घबरात, घबराए के बात बा गर्मी बा, कि घबराए के बात तो जाय दन लो, हमर वाले बना दी लो कुछ खा के, बस भूख खा के मन ना बर्दाश्त होई तो का कोई जाई हो अकेले के। हां ही बैठू ना, बैठम ना अभी कपड़ा धैल वाली फीचे के खतरा ला तो ना खा, पंखा चला दिया, हां पंखा चला दम त ना बैठ कहे ना, तो जन त लेट होत रहल तो खा लेनी, हम बेटा के परवा भेज पर कि ना, हम भेज देले चाहे। तो आपके पास छोटा प्याज नहीं हो तो एक बड़ा साइज का प्याज दे दीजिएगा, और इसको भी बारीक बारीक काट देंगे। यहाँ तड़का में लिए एक छोटा लहसुन, 3-4 हरी मिर्च और 3-4 लाल मिर्च, इन सबको बारीक बारीक काट देंगे। तो साग धो लिए हैं, तो आपको इच्छा हो तो थोड़ा रफली काट दीजिएगा, नहीं तो ऐसे भी नहीं भी काटिएगा तो भी चलेगा, क्योंकि छोटा छोटा है ये। कढ़ाई रख देते हैं चूल्हे पे और कढ़ाई को गर्म होने देते हैं जब तक तड़का काट देते हैं।
तो यहीं पे सरसों का तेल डाल देते हैं एक चम्मच, यहीं पे तड़का डाल देते हैं, तड़का को तड़का लेंगे। तड़का भून गया, यहीं पे प्याज डाल देंगे, इसे भी 2 मिनट भून लेंगे। तो प्याज ही भून गया है, यहीं पे साग को डाल देते हैं। तो गल के एकदम थोड़ा सा हो जाएगा और ये 5 से 7 मिनट में बन के तैयार हो जाएगा। तो नमक उसी हिसाब से डालिएगा, नहीं तो आप थोड़ा पका के डालिएगा। 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम ही नमक डाले हैं इसमें। अभी देख रहे हैं, अभी 2-3 मिनट हुआ है कढ़ाई में डाले हुए और गल के कितना कम हो गया है। अब इसे ढक के पका लेंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। 4-5 मिनट पकने के बाद दिखाते हैं आपको कि कैसा हुआ है ये। इतना कम लेके आए हैं कि मेरा ही नहीं होगा इससे। तो दोस्तों सब्जी बन के हो गया है तैयार, बस इसका पानी सूख जाए ना तो समझ जाए कि सब्जी बन गया है। इस सब्जी का सीक्रेट हम आपको बताएंगे जब खाएंगे तब। तो देख रहे हैं एकदम गर्मा गर्म रोटी बनी रहा है। तो ठंडा रोटी निकालते थे पहले और फिर उस पर डालते थे कोई भी सब्जी जो बनी हो। ये देख रहे हैं ना, ये सब्जी एकदम गल के कितना सा हो गया है। अब एक एक चम्मच हम लोग को ही मिलने वाला है, तो अपना हिस्सा मैं खा देता हूँ। ये देखिए सर, आपको टेस्ट करके बताते हैं कि ये नोनी की सब्जी बना कैसे है। इसी में से रोटी तोड़ते रहेंगे और इसको खाते रहेंगे। सबसे पहले आप टेस्ट कर दीजिए। एकदम खट्टी खट्टी सब्जी लग रही है। इसमें कोई मसाला तो डाला हुआ नहीं है, एकदम रियल टेस्ट है इसका। आप लोग भी इस तरह से बना के खाइएगा और हमें जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने कब नोनी की साग बनाया था। और इस तरह का फूला फूला रोटी मजा ही आ जाएगा खाने में आप लोगों को।